नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा तीनों कृषि कानून के वापस होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में उन्होंने किसानों की जमकर तारीफ की है उनके संघर्ष को सलाम किया है और इसे सरकार की एक हार बताया है चिट्ठी में राहुल ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और संघर्ष को आगे भी जारी रखना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी लिखते हैं कि आपके तप संघर्ष और बलिदान के दम पर मिली ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई पौने बारह महीने से ठिठुरती ठंड भीषण गर्मी बरसात तमाम परेशानियों व जुल्मों के बावजूद तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को खत्म कराने का जो सत्याग्रह आपने जीता है उसकी दूसरी मिसाल आजादी भारत के इतिहास में में नहीं मिलती मैं आपके संघर्ष 700 से अधिक किसान मजदूर भाई बहनों द्वारा दी गई कुर्बानी के लिए नतमस्तक है कांग्रेस ने आगे जोर देकर कहा कि एक तानाशाह शासक के अहंकार से लड़ते हुए जिस गांधीवादी तरीके से आपने उन्हें फैसला वापस लेने को मजबूर किया यह असत्य और सत्य है कि विजय एक बेजोड़ उदाहरण है आज की इस ऐतिहासिक दिन हम उन शहीद किसान मंदूर भाई बहनों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान का बलिदान देकर इस सत्याग्रह को मजबूत किया काश ये नौबत ही ना आती अगर केंद्र सरकार ने शुरू ही में किसानों की मांगों पर ध्यान दिया होता इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में भविष्य की नीति पर भी बात की है उनके मुताबिक अभी और भी कई मुद्दों पर सरकार से लड़ना है वे कहते हैं कि साथियों संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है कृषि उपज का लाभकारी न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि मिले विवादास्पद बिजली संशोधन कानून खत्म खेती की जोत में इस्तेमाल होने वाली हर चीज पर लगाए गए टैक्स का बोझ घटे डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि कम हो तथा खेत मजदूर पर कमर तोड़ कर्ज के बोझ का हल निकालना खेती हर किसान के संघर्ष के गंभीर विषय है मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि मौजूदा आंदोलन की ही भांति भविष्य में भी आपके सभी जाय संघर्षों में मैं और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी के जरिए पीएम मोदी को भी नसीहत दी उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने वादों के मुताबिक साल तो हजार बाईस तक किसान की दोगुनी आय सुनिश्चित करनी चाहिए इसके लिए उन्हें जल्द से जल्द भविष्य की योजनाओं का रोड मैप भी जारी करना चाहिए प्रधानमंत्री जी मत भूलें कि सत्ता सेवा का माध्यम है लूट खसोट जीत और अहंकार का किसी भी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में कोई स्थान नहीं होता है ऐसी और खबरों के लिए बने रही है न्यूज़ के साथ धन्यवाद